हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाकुतस किचन। मेरी आज की रेसिपी है एक ब्रेकफास्ट रेसिपी उपमा। ले रही हूँ मैं 2 कप सूजी। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे और सूजी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रवा को ड्राई रोस्ट कर लेंगे कलर चेंज हो जाने तक। और ये हो चुकी है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। इनमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून राई के दाने, 7 से 8 कड़ी पत्ते। 1 से 2 सेकंड्स के लिए इनको हाई फ्लेम पर फटने देंगे। इसी तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप प्याज चॉप की हुई मिक्स करेंगे। प्याज को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए थोड़े सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। 1/2 कप गाजर चॉप की हुई, 1/2 कप शिमला मिर्च चॉप की हुई, 1/2 कप टमाटर चॉप की हुई, इनको डाल देंगे। मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून लहसुन घिसा हुआ, 7 से 8 हरी मिर्चें चॉप की हुई। हरी मिर्चें आप चाहे तो इससे ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स करेंगे। अगर आपको क्रंची सब्जियां पसंद है तो आप इनको हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए थोड़े सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लीजिए, लेकिन मैं इनको पूरी से पक जाने तक फ्राई कर लूँगी। ढककर पकाऊंगी 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट बाद सब्जियां सभी फ्राई हो चुके हैं। रोस्ट की हुई रवा डाल देंगे। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून शक्कर मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे अब गर्म पानी। जितनी हम सूजी लेंगे उसी का ही 1/2 क्वांटिटी लेंगे गर्म पानी। मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी लिए थे, इसलिए ले रही हूँ 1 कप गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून मूंगफली फ्राई की हुई मिक्स करेंगे। 1 कप पानी को 4 बारी में डालने के बाद ये इस तरह से दिख रही है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। इस उपमा को मैं बिल्कुल दाने दाने दिखे इसी तरह से बनाऊंगी, इसीलिए कम पानी ऐड किए हैं। गैस का फ्लेम कर देंगे लो और इसको हम ढककर पकाएंगे 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट बाद बीच में मैंने इनको 1 से 2 बार चला लिए थे जिससे ये जलेंगे नहीं। और ये इस तरह से पक चुकी है। थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालकर मिक्स करने से और ढककर पकाने से सूजी बिल्कुल पक चुकी है। सब्जियों को तो हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे, और अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर भी बना सकते हैं, 1:2 का रेशियो। उपमा को बनाने के लिए मैंने सिर्फ इतना ही पानी लिए हैं। 2 कप सूजी, 1 कप पानी, गर्म पानी, जिससे ये बिल्कुल नॉन स्टिकी ही बनेगी। और अभी हम इनको सर्व कर देंगे। ये बिल्कुल भी गले नहीं है और पूरे ही पक चुके हैं। ये देखिए किस तरह से सभी दाने अलग अलग ही हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Maybach.